हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हमारे जेआईवी के एएफबी का जो मॉड्यूल ए है उसका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, जो कि लेसन नंबर फोर्थ है हमारा, जो कि बेस्ड है कैपिटल बजटिंग पे। तो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है जिसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उसे समझ जाएंगे। तो बस आपको अंतिम तक बने रहना है इस लेसन के साथ। और यदि आप मेरा पीडीएफ चाहते हैं, मेरा नोट्स चाहते हैं दोस्तों, तो आपको नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उससे जुड़ जाएँ। उसमें मैं अपना पीडीएफ लिंक सब कुछ शेयर करता हूँ, तो और जो भी अपडेट्स आपको मिलेगा वो उस ग्रुप में मिलते जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को जो कि बेस्ड है हमारा कैपिटल बजटिंग पे। आइए समझते हैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, ये है क्या कैपिटल बजटिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं और एक्सपेंसेस को भी इवेल्युएट करते हैं। क्यों इवेल्युएट करते हैं? ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे बेस्ट रिटर्न मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको उसको कोई चैलेंज फेस करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो इन्वेस्टमेंट है सामने या दो प्रोजेक्ट है सामने, तो उसके पास एक चैलेंज है कि उन दोनों में से किसे उसे सेलेक्ट करें। तो आइडियली केस में क्या होता है, आइडियल केस में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लिमिटेशन होता है, जैसे कैपिटल की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो उसको वहाँ पे क्या करना होता है कि वहाँ पे चूज करना पड़ता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट के बीच। तो इस चीज़ में हमारा कैपिटल बजटिंग काम आता है। यदि हमारे पास दो सामने दो रास्ते दिख रहे हों, दो इन्वेस्टमेंट दिख रहे हों या दो प्रोजेक्ट दिख रहे हों, तो उनमें से किसे हम सेलेक्ट करें, तो उस सेलेक्शन के लिए हम लोग कैपिटल बजटिंग का यूज़ करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बजटिंग का यूज़ करती है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे बेस्ट रिटर्न मिले। उम्मीद है इसका मीनिंग आखिर क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये समझना है आपको। जवाब आना चाहिए क्या, वाट, वाई, हाउ। तो ये तीनों चीज़ हम लोग समझेंगे। तो वाट समझ में आ गया, वाई समझ में आ गया, अब हाउ को समझते हैं। तो हाउ को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं, जैसे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? मनी का टाइम वैल्यू होता है। क्या मतलब हुआ मनी का टाइम वैल्यू होता है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सम ऑफ मनी यदि रहेगा तो उसका ग्रेटर वैल्यू होगा यदि वो पहले रिसीव हो एज़ कम्पेयर टू वो लेट से रिसीव हो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि यदि आपको पैसा पहले मिल जाएगा तो आप उसे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। तो मनी का कहा जाता है कि टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक मनी का गिवन गिवन सम ऑफ मनी का ज़्यादा वैल्यू तब होगा जब वो पहले मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल से इसे मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसका लाइफ है 1 ईयर का, ठीक है, और पी जो है वो उसका इमीडिएट आउटले है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए रिटर्न जो है, जो रिटर्न हमें आएगा, हम चूंकि हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न कब हो जाता होगा? अब देखिए मैं एक कंडीशन लिखा हूँ, एफ इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 + R। ये पी क्या है दोस्तों? ये पी है 1 लाख। 1 लाख कहाँ से आया? तो 1 लाख जो है मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैंने उस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है जिसे हम आउटले कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो आर कितना दिया हुआ है? आर हमें दिया हुआ है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। तो आर की जगह हम लोग 0.10 पुट करेंगे। तो आप लोग देखेंगे इसका जो एफ का वैल्यू आया है वो आया है 1,10,000, ठीक है। तो ये कब आया? जब प्रोजेक्ट का लाइफ 1 ईयर था। अब मान लीजिए उसी प्रोजेक्ट का लाइफ 2 ईयर है और मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो रिटर्न्स है, रिटर्न जो है किससे ज़्यादा होना चाहिए? हमारा रिटर्न्स इससे ज़्यादा, एफ से वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। एफ का क्या फॉर्मूला होगा? पी टाइम्स 1 + R², ठीक है दोस्तों। जब से सॉल्व करेंगे तो 1,21,000 आएगा। क्या मतलब हुआ समझिए, मैं उस प्रोजेक्ट में 2 साल के लिए अपना 1 लाख रुपया तभी लगाऊंगा जब मुझे जो रिटर्न्स मिलेगा वो 1,21,000 से ज़्यादा हो। ये समझने आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि तो यहाँ पे वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि 1 साल, यदि मैं जो है 1 लाख रुपया कब इन्वेस्ट करूँगा उस प्रोजेक्ट में, 1 साल के लिए तब इन्वेस्ट करूँगा जब रिटर्न जो मुझे मिल रहा है वो 1,10,000 से ज़्यादा है, और 2 साल के लिए तब इन्वेस्ट करूँगा जब रिटर्न जो मिल रहा है वो हमें 1,21,000 से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको, ये देखिए ये चीज़ कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला इस कैपिटल बजटिंग से। तो उम्मीद है आपको फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और फ्यूचर वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू टाइम्स 1 + R^n, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। अब देखिए एक और टर्म है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। तो अब मान लीजिए कि आपको किसी भी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, P इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई 1 + R^n। तो यहाँ पे एम क्या है दोस्तों? एम है हमारा फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक
और आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन है नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक देखते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं, हमारे पास क्या क्या टेक्निक अवेलेबल है। तो हमारे पास दो मेजर टेक्निक डिस्काउंटिंग के अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। पहले हैं एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और दूसरा है हमारा आईआरआर मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन दोनों मेथड को। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास दो टेक्निक हैं एनपीवी या आईआरआर, उसमें कुछ एजम्पशन माने गए हैं, उसमें हमने कुछ एज्यूम किया है। क्या क्या एज्यूम किया है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी इन्फ्लेशन है ही नहीं, देर इज़ नो इन्फ्लेशन। और दूसरा चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि जो सम ऑफ मनी है जो इन्वेस्टमेंट से हमें मिल रहा है, वो हमें पता है सर्टेनिटी के साथ कि इतना इतना अमाउंट हमें अपने इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। होता क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग देखिए हमारे पास कुछ फ्यूचर कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट में हमारा कुछ कैश फ्लो है, उसका हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और उसे हम कंपेयर करेंगे कैश आउटले के साथ, ठीक है। तो आइए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है वो हमें सरप्लस कैश फ्लो, वो हमारा प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या स्टेजेस इसके अंदर होते हैं, कैसे आखिर हम लोग एनपीवी मेथड को अप्लाई करते हैं, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी फ्यूचर नेट कैश फ्लो हैं, ठीक है, आपको उसका एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट ऑल फ्यूचर नेट कैश फ्लो रिवेन एसोसिएटेड विथ एन इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, आप ये देखिए कि फ्यूचर में आपका कैश फ्लो का क्या स्टेटस रहेगा। अब आप क्या करेंगे कि वो जो नेट कैश फ्लो फिगर है उसका प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो डिस्काउंटिंग मेथड से। ये डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम बाई वन प्लस आर टू द पावर एन, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग वो जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, अब आप सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। हर एक फ्यूचर कैश फ्लो का एक प्रेजेंट वैल्यू होगा और हर एक प्रेजेंट वैल्यू को आप लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एडिशन करके आपने आपको एक वैल्यू मिलेगा, उसमें से आप क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आपको कितना खर्च हुआ उसके उसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर इतना, ये जो चार पॉइंट था उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एन पी वी इज इक्वल टू माइनस सी जीरो प्लस सी वन अपॉन वन प्लस आर प्लस सी टू अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सी आर अपॉन वन प्लस आर टू द पावर एन। चलिए आइए समझते हैं इसमें सी सी जीरो क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो माइनस सी जीरो है वो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। सी क्या है दोस्तों, सी कैश फ्लो है, सी वन सी टू, वन यानी कि पहला साल के लिए, टू यानी के लिए दूसरा साल के लिए, एन यानी के लिए एनएस साल के लिए, ठीक है। आर क्या है दोस्तों, आर है हमारा डिस्काउंट रेट, और टी क्या है दोस्तों, टी है टाइम, तो वन प्लस आर टू द पावर टी हमने लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए, अब इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, इस एनपीवी का क्या इम्पोर्टेंस है। एनपीवी समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई इन्वेस्टर कोई प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट को लेता है, ठीक है, तो उसे ये जरूरी होता है ये कैलकुलेट करना कि वो कितना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, यानी कि उसने जहाँ पैसा लगाया, उसने जहाँ इन्वेस्टमेंट की, वो कितना प्रॉफिटेबल है, तो इसका एस्टिमेशन उसके लिए आवश्यकता होती है। तो आप इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में माइनस सी नॉट है, माइनस सी नॉट, माइनस सी नॉट क्या है दोस्तों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये नेगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, ये नेगेटिव कैश फ्लो है, ये इंडिकेट करता है कि मनी हमको मनी हमारे सिस्टम से जा रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे मनी क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि मनी गोइंग आउट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो किससे सब्ट्रैक्ट किया, मनी गोइंग आउट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्काउंटेड सम ऑफ कैश फ्लो कमिंग इन, ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें दो एलिमेंट है, एक है मनी गोइंग आउट और एक है हमारा डिस्काउंटेड सम ऑफ कैश फ्लो। तो बाहर क्या जा रहा है, मनी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा बाहर जा रहा है, इसीलिए हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया। और हमारे सिस्टम में आ क्या रहा है, तो जो डिस्काउंटेड सम ऑफ कैश फ्लो है, मतलब कि हमारे पास जो कैश फ्लो था उसका जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाले, इसीलिए उसको डिस्काउंटेड कहा जाता है, क्योंकि वो कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्काउंटेड सम ऑफ कैश फ्लो जो है वो हमारे सिस्टम में आ रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव है। तो ये दोनों का जो
ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक एक दो फिर से समझिए, मैं समझा रहा हूँ। हमारा एक सिस्टम है, उसमें कुछ पैसा बाहर जा रहा है और कुछ पैसा अंदर आ रहा है। क्या पैसा बाहर जा रहा है? हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो बाहर जा रहा है, और क्या अंदर आ रहा है? जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसका डिस्काउंटेड वैल्यू अंदर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नेट जो रिजल्टेंट होगा वो यदि पॉजिटिव होगा तो उसे हम लोग नेट रिजल्टेंट को हम लोग एनपीवी कहते हैं। और एनपीवी को क्या चाहे कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर, क्या चाहेगी कि वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी उस इन्वेस्टमेंट को वैल्यूबल माना जाएगा। तो कुल मिलाकर तीन आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। एनपीवी को हमने कैलकुलेट किया और कुल मिलाकर तीन आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम हो सकता है कि एनपीवी हमारा पॉजिटिव हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश इनफ्लो है उनका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। मैं फिर से समझा दूँ दोस्तों, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को अच्छे से समझिए। आउटफ्लो है मेरा इन्वेस्टमेंट जो कि शुरू में हमने किया था, और इनफ्लो है हम फ्यूचर में जो हमें हमें जो पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव एनपीवी कब होगा? जब जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो होता है हमारा आइडियल सिचुएशन होता है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों एग्जांपल से एकदम रिलेट करके समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा दोस्तों। दूसरा केस है नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव एनपीवी कब होगा दोस्तों? जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो कम होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, और ये हमारा आइडियल सिचुएशन नहीं होता है। कोई भी प्रोजेक्ट नेगेटिव एनपीवी का एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और जीरो एनपीवी कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। उम्मीद है कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो हमने दो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने हमारा टॉपिक था कैश कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को हमने समझ लिया कि इसका क्या रोल है। तो हम लोगों ने व्हाट समझ लिया, उसके बाद हमने देखा कि वाई, तो क्यों आखिर क्यों ज़रूरी है ये कैपिटल बजटिंग। और उसके बाद हमने देखा कैसे, तो कैसे में हम लोगों ने पहला मेथड देखा जो कि था हमारा एनपीवी, जिसे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेक्निक है हमारे पास कैपिटल बजटिंग के लिए वो है आईआरआर, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स के द्वारा कैसे कैपिटल बजटिंग की जाती है। तो देखिए दोस्तों, आईआरआर भी एक डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है, ठीक है, जो कि हमें क्या देता है, जो कि हमें रेट ऑफ रिटर्न देगा। कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का क्या रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, वो हमें कौन देगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका नाम में ही लिखा हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका इसका मतलब क्या होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या दोस्तों? ये एक डिस्काउंटिंग रेट है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो होगा, ठीक है। इट इज़ अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। आइए इसे हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईआरआर को यदि डिराइव करना है, यदि हमें पता लगाना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करना होगा, ठीक है दोस्तों। वी हैव टू फॉलो ट्रायल एंड एरर मेथड। और फ्रेंड्स सीआईबी के एग्जामिनेशन में आपको ये, सॉरी जेआईबी के एग्जामिनेशन में आप लोगों को आईआरआर निकालना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आईआरआर को निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आईआरआर का जो फॉर्मूला है वो है कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 + r² - इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कैश फ्लो क्या है दोस्तों? कैश फ्लो हम लोग नंबरेटर में लिख रहे हैं, आर क्या है दोस्तों? डिस्काउंट रेट है, और आई क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड है। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए कि जिस रेट पे हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो मैच कर जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, इसमें दो चीज़ है, एक है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक है हमारा कैश फ्लो, ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। तो एक ऐसा रेट होगा जहाँ पे दोनों बराबर होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो और जो जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारा फ्यूचर कैश फ्लो का वो। तो जिस रेट पे दोनों बराबर होता है उसे ही वही हमारा आइडियल रेट ऑफ रिटर्न होता है। आइए हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो अपनी मशीनरी को रिप्लेस कर ले, ठीक है। तो देखिए उसका कॉस्ट क्या है और उसका रिटर्न क्या है। तो उसने इनिशियली जो है 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज पर ईयर कितना था? 2 लाख रुपया। और रिप्लेसमेंट वैल्यू कितना है दोस्तों? 45,270 रुपया। एसेट का लाइफ कितना है? 3 साल है। तो मान लीजिए कि जो आईआरआर है हमारा, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो है 13%। तो आइए हम लोग कंप्यूट करना सीखते हैं। सबसे पहले जीरो ईयर, ईयर जीरो। तो ईयर जीरो में जो है कैश फ्लो हमारा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो है। आउटफ्लो क्या है दोस्तों? क्योंकि हम लोग 5 लाख रुपया उसका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपया, ठीक है। तो उस 5 लाख उसे उसे इन्वेस्ट करना पड़ा है, और इसीलिए वो पैसा उसके सिस्टम से बाहर जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन को यूज किया है, ठीक है। तो उस 5 लाख रुपया का जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो होगा वो 5 लाख ही होगा। अच्छा, अब पहला साल बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज पर ईयर, तो 2 लाख, मतलब 2 लाख का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो पहला साल बाद कितना प्रॉफिट होगा? 2 लाख होगा।
लेकिन हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था, आप लोग याद कीजिए ये फॉर्मूला, समझिए इस फॉर्मूले को। देखिए ये जो फॉर्मूला था, हम मैंने यहाँ लिखा था पी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वन प्लस आर टू द पावर एन, तो हम लोग इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है। देखिए हमने लिखा है 2 लाख, और एन कितना है, एन है 1 ईयर्स, आर कितना है 13%, यानी कि 1 + 0.13, यानी कि 1.13। तो आप 2 लाख को यदि 1.13 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,76,991। तो ये क्या निकला, ये हमें 2 लाख का 1 साल के बाद जो वैल्यू होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकला, ठीक है दोस्तों। चलिए उसी तरह ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उस एसेट का, उस मशीन का जो लाइफ है वो 3 साल का है, ठीक है दोस्तों। मशीन का जो लाइफ है वो कितने साल का है, 3 साल का है। तो दूसरे साल भी उसे 2 लाख रुपया का इन्वेस्ट फायदा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उस 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख टाइम्स 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 1.13 का स्क्वायर, क्योंकि आपको मिल जाएगा 1,56,229। फिर तीसरे साल भी उसे 2 लाख का फायदा हुआ, तो उस 2 लाख का आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 लाख इंटू 1.13 टू द पावर 3, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1,38,610। अच्छा अब देखिए दोस्तों एक और टर्म लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब 3 लाख 3 साल के बाद क्या हुआ, उस मशीनरी को उसे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के बाद उसे कितना पैसा मिल रहा है, 45,270 रुपया। तो उस 45,270 का आप लोग क्या करेंगे, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आप लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 45,270 टाइम्स 1.13 टू द पावर 4, क्योंकि आपको मिल जाएगा 27,765। अब देखिए हमारे पास एक कॉलम बन गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, अब आप इसका टोटल करेंगे, ठीक है। आप इसका टोटल कीजिए, देखिए दोस्तों सब आप टोटल करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस मैंने छोड़ दिया, वो सबसे ऊपर माइनस होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। तो आप टोटल करेंगे तो आपको लगभग लगभग ये जीरो आएगा, ठीक है, इस टोटल करके देखिए अप्रॉक्सीमेटली जीरो आएगा दोस्तों। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके कारण आप देखिए मैंने समझाया था, इसको जो आप जो टोटल करेंगे वही हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो है उनका प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। तो दोस्तों आप क्या पाएंगे कि ये जीरो आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या मतलब हुआ कि ये जो डिस्काउंटेड रेट था हमारा, कितना था डिस्काउंटेड रेट, 13%, जो कि हमने एज्यूम किया था। ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, हमने IRR को एज्यूम किया था, ये हमें पता नहीं था कि 13% पे ही होगा, हमने एज्यूम किया था। इसीलिए हम लोग इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, क्योंकि वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बट वी एज्यूम इट, हम मान के चलते हैं कि 13% 12% ऐसे करके। तो हमने क्या देखा कि 13% पे जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्काउंटेड रेट है वो बेस्ट रेट है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस कंपनी का मान लीजिए कि कैपिटल का जो कॉस्ट था वो 10% है और IRR जो है वो हमारा 13% है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो हम लोग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि IRR और NPV का क्या क्या बेसिक मेथड है। तो फ्रेंड्स मैं अपना लेसन को आज यहीं समाप्त करता हूँ, आज आपको क्लियर हो गया होगा कि NPV क्या होता है और IRR क्या होता है और फिर दोनों में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल मेथड आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।